ओके तो है ब्रो, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अगर आपके पास एक फ्री फायर का गेमिंग चैनल है तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले वीडियो पर मैं आपको एक फ्री फायर गेमिंग चैनल का एक बैनर एडिटिंग करके दिखाऊंगा, और बैनर पर मैं फ्री फायर आईडी का स्क्रीनशॉट भी ऐड करूंगा। तो आप लोग भी अपने स्क्रीनशॉट करके रख लेना, ठीक है? तो चलो फिर आज के कमाल के वीडियो को आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, अगर आपको लोगो और बैनर एडिटिंग करवाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना मत भूलना, ठीक है? लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ओके तो ब्रो, सबसे पहले आपको पिक्सेट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ठीक है? एंड एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग गूगल से इसको डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले तो आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, एंड इस वीडियो पर जो भी मैं बैकग्राउंड को यूज़ करूँगा उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग सभी का सभी PNG को या फिर बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको ये वाला बैकग्राउंड को ओपन करना है। ये वाला बैकग्राउंड यूट्यूब चैनल के बैनर का साइज है, ठीक है? एंड इसके बाद आपको ऐड फोटो पर क्लिक करके आपको अपने लोगो ऐड कर देना है। तो ये वाला लोगो को मैंने पहले वाले वीडियो पर ही क्रिएट किया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है? लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। देन इसके बाद ऊपर आपको प्लस ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड फोटो पर क्लिक करना है, एंड ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद इसके बाद एक स्क्रीन शॉट को मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आप लोग भी अपने आईडी के स्क्रीन शॉट को यहाँ पर ऐड कर देना। देन इसके बाद क्रॉप आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर पर्सपेक्टिव टूल पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? एंड इसके बाद इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है, माइनस इसको 20 रख देना है, ठीक है? तो इस तरीके का एक थोड़ा सा 3D में रोटेट हो जाएगा, ठीक है? देन इसको बड़ा करके यहाँ पर ऐड कर देना है इस जगह में, और साइड से इसको थोड़ा सा इरेज कर देना है। और हाँ, इसको ऐड करने से पहले इसको आपको मूव डाउन कर देना है ताकि ये लोगों के पीछे ऐड हो जाए, ठीक है? और इसके बाद इसको और एक डुप्लीकेट बना देना है आपको यहाँ से, एंड इसको ऐसे इस तरफ में कर देना, ठीक है? एंड इसको भी थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज कर देना, तो ये दोनों तरफ का बन जाएगा। इसके बाद आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है, एंड इसके बाद एक और PNG को आपको ऐड करना है। एंड इसको आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, यानी कि इसको फुल स्क्रीन कर देना, ठीक है? देन इसके बाद यहाँ से आपको पूरा मूव डाउन कर देना है यहाँ पर क्लिक करके, एंड ओपेसिटी को आपको हल्का सा कम कर देना है। देन इसके बाद ऊपर आपको प्लस ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है, एंड ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद एक लाइट PNG का आपको ऐड करना है। एंड सबसे पहले आपको यहाँ से इसके ब्लेंड मोड को चेंज कर लेना, एंड ब्लेंड मोड को चेंज करने के बाद यहाँ से आपको मूव डाउन कर देना है तो ये लोगों के पीछे ऐड हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करना है, और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको एक PNG का आपको ऐड करना है, एंड इसके बाद इसको आपको फुल स्क्रीन करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, ठीक है? एंड इसके बाद ऊपर से आपको राइट क्लिक कर देना है, ठीक है? और यहाँ पर मैं बाहर तरफ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आप लोगों को चिड़िया से आपका आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है? ओके तो इसको यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद इसके बाद एक PNG का आपको ऐड करना है, और यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, तो आप लोग ये वाला PNG को ऐड कर लेना ताकि आपका बैनर कुछ इस तरीके का दिखे, बहुत ही ज़्यादा ऑसम वाला, ठीक है? अगर आपको ये वाला बैनर एडिटिंग पसंद आ गया हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक करना मत भूलना, ठीक है? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।